प्रेशर मेजर करने के लिए बनाया गया स्टूडेंट है ना, ये जो होता है डिफरेंट डिफरेंट लेवल पर हमें प्रेशर मेजर करने में हेल्प करता है। किसी अल्टीट्यूड पर या बिलो सी लेवल पर हमें देखना हो कि कितना प्रेशर घट रहा है या बढ़ रहा है, तो उससे मेजर करने के लिए हम लोग बैरोमीटर का यूज करते हैं। जनरली इसको एटमोस्फेरिक प्रेशर ही मेजर करने के लिए यूज करते हैं। सिंपलेस्ट टाइप का बैरोमीटर है, ठीक है। आप देख सकते हैं ये मर्क्यूरी बैरोमीटर है स्टूडेंट। यहाँ पर देखें तो एक कंटेनर है स्टूडेंट, आप लोग को दिख रहा होगा स्क्रीन पर, एक कंटेनर दिख रहा है ना, ये सर्कुलर है। यहाँ पर देखें आप, वाइट कलर का जो दिख रहा है ये हमारा मर्क्यूरी है। इसमें एक ट्यूब लगा रहता है, यू शेप का ट्यूब लगा रहता है स्टूडेंट, ऐसे है ना, और ये फिक्स्ड रहता है, बिल्कुल वर्टिकल रहता है। यहाँ पर इस पर एक रीडिंग लगा रहता है, मार्किंग रहता है, जिसकी वजह से हमें इसकी हाइट मेजर करने में हेल्प करता है कि कितनी हाइट मर्क्यूरी है इसके अंदर, है ना। और अब देखिए स्टूडेंट, इसमें इसका फंक्शन कैसा होता है, कैसे वर्क करता है। आप देखें तो यहाँ पर जो प्रेशर रहता है स्टूडेंट, एटमोस्फेरिक प्रेशर है, क्योंकि ये एटमोस्फेयर में ओपन है, तो यहाँ जो प्रेशर लगेगा वो जो भी एटमोस्फेयर का प्रेशर होगा उतना प्रेशर होगा। तो ये वाला जो प्रेशर है स्टूडेंट, यहाँ से ये लिक्विड के अंदर, जस्ट मतलब लिक्विड से थोड़ा सा अंदर 0.01 mm का मान लो कि थोड़ा सा नीचे चले गए, वहाँ पर प्रेशर भी तो एटमोस्फेरिक प्रेशर ही होगा थोड़ा सा। यहाँ पर भी स्टूडेंट प्रेशर मान ले रहा हूँ P2 है, तो यहाँ का प्रेशर और यहाँ का प्रेशर स्टूडेंट सेम होना चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं लिक्विड में सेम लेवल पर प्रेशर सेम होता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर यहाँ पर देखें तो यहाँ पर इस ये जो हाइट होता है, ये हाइट जो होता है यहाँ पर, वो प्रेशर इस लिक्विड के वजह से आएगा, क्योंकि यहाँ से इधर जो क्लोज्ड है इधर से, तो यहाँ से तो कोई एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग नहीं सकता। तो जो भी प्रेशर यहाँ पर क्रिएट होगा वो लिक्विड के हाइट के वजह से प्रेशर क्रिएट होगा, और यहाँ का एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो ये दोनों प्रेशर जब इक्वल है तो लिक्विड का जो हाइट वजह से प्रेशर है और एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, वो दोनों इक्वल हो जाएंगे, है ना। तो हम जानते हैं स्टूडेंट, जो प्रेशर होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के वजह से वो कितना होता है, ρgh होता है, आप लोग जानते हैं। अच्छा एक बात और मैं बता दूं कि स्टूडेंट इसको पुट करते समय एक यूट्यूब शेप का इस तरह से रहता है, उसको इसमें ये जो वर्टिकल है इसको कैसे पुट करते हैं, इसमें हमने मान लो कि इसमें हमने मर्क्यूरी डाल दिया, इसमें मर्क्यूरी पूरा फिलअप कर देते हैं, यहाँ पर क्लोज करके इसमें पलट देते हैं, उल्टा करके पलट देते हैं और इसको फिक्स कर देते हैं वर्टिकली, है ना, स्टैंड की हेल्प से। अब यहाँ वर्टिकली फिक्स हो जाता है, तो क्या होता है स्टूडेंट, ऐसा हम लोग क्यों करते हैं, क्योंकि अगर हम ऐसे ले जाकर सीधे इस ट्यूब को ऐसे डाल देते इसमें, तो क्या होता है इसके बीच में यहाँ से तो फ्लूइड प्रेस करता ऊपर चला जाता, लेकिन इसमें एयर ट्रैप हो जाता, इसमें एयर ट्रैप हो जाता और प्रेशर जो होता वो क्या हो जाता, चेंज हो जाता है, यहाँ वैक्यूम नहीं क्रिएट होता, तो इसमें एयर के वजह से कुछ कुछ प्रेशर आ जाता है यहाँ पर, तो हमारा प्रेशर जो होता वो बैरोमीटर के हाइट के वजह से प्रेशर प्लस इस पर जो इधर से एयर के वजह से प्रेशर हो जाता, तो हम रीडिंग नहीं ले पाते, क्योंकि इसका प्रेशर हमें नोन नहीं रहता कितना प्रेशर है, है ना। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे बेस्ट वे है कि इसको ऐसे इसमें फ्लूइड भर दें और इसको क्लोज करके इसको पलट के रखते हैं, और इस अब जो हाइट होगा वो इसके वजह से प्रेशर क्रिएट होगा। अब हम लोग जानते हैं स्टूडेंट डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी कितना होता है, डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है, या अगर ऐसा यूनिट में लिखे तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 13600 kg पर मीटर क्यूब होगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखें, हम लोग जानते हैं कि प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम कितना होता है, ρgh, रो डेंसिटी ऑफ लिक्विड जी एक्सेलरेशन ड्यू टू हाइट ऑफ मर्क्यूरी कॉलम यहाँ पर होगा स्टूडेंट। तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर मैंने डायग्राम बनाया है, यहाँ पर अगर आप लोग देखें तो यहाँ पर प्रेशर P1 है एटमोस्फेयरिक, यहाँ पर P2 है, तो ये हाइट के वजह से प्रेशर है, ठीक है। तो यहाँ प्रेशर हमने क्या किया, P1 = P एटमोस्फेयरिक, और वी नो प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कितना होता है, ρgh होता है स्टूडेंट। तो ρgh होता है, यहाँ पर P1 = P2 होगा, तो ρhg किसका है, सिंबल ऑफ हाइड्राजीरियम मतलब मर्क्यूरी का है स्टूडेंट, इंटू जी इंटू एच इक्वल टू 1.01 × 10⁵ पास्कल,
है ना, ये वाला एटमॉस्फेरिक प्रेशर मैंने पुट कर दिया, हमें स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर पुट किया, उसे देखना है कि मर्क्यूरी का हाइट कितना आता है। तो एच का वैल्यू कैलकुलेट किया जाता है स्टूडेंट, तो ये आता है 0.76 मीटर, या इसको 76 सेंटीमीटर या 760 mm भी लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है मर्क्यूरी के हाइट के टर्म में हम लोग मेजर कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखें, ये वाला हाइट जो आता है अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है तो ये 760 mm ऑफ एच जी आता है, मतलब 76 mm हाइट के वजह से जो प्रेशर क्रिएट होगा मर्क्यूरी के वजह से, वही प्रेशर एटमॉस्फेयर का है। तो एटमॉस्फेयर का प्रेशर लिखने का तरीका ये भी होता है स्टूडेंट, वन एटमॉस्फेरिक प्रेशर इक्वल टू 760 mm ऑफ एच जी, है ना। तो ये 760 mm के वजह से जो प्रेशर क्रिएट हुआ हाइट के वजह से, वही प्रेशर आता है। इस तरह से भी लिख सकते हैं 76 सेंटीमीटर ऑफ एच जी या 0.7 मीटर ऑफ एच जी भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा बैरोमीटर काम है। तो हम लोग ऐसे ही जब स्टूडेंट प्रेशर मेजर करना है, प्रेशर मान लो घट जाएगा तो मर्क्यूरी की हाइट भी घट जाएगी, और बढ़ जाएगा तो मर्क्यूरी की हाइट भी बढ़ जाएगी। इससे रीडिंग से हम प्रेशर को मेजर कर लेते हैं। हम लोग का नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है मैनोमीटर। मैनोमीटर स्टूडेंट ये आप लोग देख सकते हैं कुछ इस टाइप का होता है, यू शेप का एक यूट्यूब होता है इस तरह से, इसमें स्केलिंग किया रहता है ताकि हम रीडिंग मेजर कर सकें डिफरेंस इन हाइट निकालने के लिए। ये क्या होता है स्टूडेंट, ये भी प्रेशर मेजरिंग डिवाइस ही है, ये भी प्रेशर मेजर करने के लिए हम लोग यूज करते हैं, लेकिन इसमें जो हम लोग प्रेशर मेजर करते हैं वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से स्टूडेंट जो कंपेरेबल होते हैं उसी को हम लोग मेजर कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर वाले प्रेशर नहीं मेजर कर सकते इससे, है ना। एटमॉस्फेयर प्रेशर थोड़ा बहुत ज़्यादा है तो उसको हम लोग मेजर कर सकते हैं, है ना। ये इससे हम प्रेशर कंपैरिजन भी कर सकते हैं, दो ऑब्जेक्ट के बीच का प्रेशर डिफरेंस कितना है वो हम लोग मेजर करने के लिए यूज कर सकते हैं। लेकिन प्रेशर डिफरेंस चाहे कितना भी हो, कितना भी प्रेशर हो तो हम प्रेशर डिफरेंस मेजर कर सकते हैं। इसके वर्किंग को समझते हैं स्टूडेंट, क्या होता है कैसे वर्क करता है। यहाँ पर देखें तो यहाँ एक स्टूडेंट यूट्यूब का इस तरह से ग्लास है ना, ग्लास का है ये, इसमें मर्क्यूरी भरा हुआ, कोई भी लिक्विड भर सकते हैं, लेकिन मर्क्यूरी भरते हैं तो डेंसिटी ज़्यादा होता है तो ज़्यादा बेटर होता है, साइनिंग रीडिंग लेने में भी हमें आसानी होती है। लिक्विड ले, मान ले रहा हूँ कोई लिक्विड है, ये वो एक ओपन रहता है एटमॉस्फेयर में स्टूडेंट, ओपन रहता है एटमॉस्फेयर में। अब यहाँ पर देखें इसका हमें प्रेशर मेजर करना है, मान लो ये गैस है, इसमें इसका प्रेशर मेजर करना है पाइप के थ्रू। तो इसको हम क्या करते हैं, इसको कनेक्ट कर देते हैं इससे मैनोमीटर के एक एंड से कनेक्ट कर दिया, तो इसका जो प्रेशर होगा स्टूडेंट वो प्रेशर यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, यहाँ भी सेम होगा, क्योंकि हाइट के वजह से थोड़ा बहुत भी प्रेशर फ़र्क पड़ेगा नेग्लिजिबल, 0.024 के बाद हुआ, क्योंकि हाइट एयर का प्रेशर जो है बहुत कम होता है। तो यहाँ पर प्रेशर कितना हो जाएगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर, चूँकि इसका प्रेशर ज़्यादा है तो इधर से पुश करेगा स्टूडेंट। पहले ऐसे देखो, रेड कलर का जो है इस लेवल पर मान लो मर्क्यूरी था यहाँ पर, जैसे ही इधर से पाइप से कनेक्ट करेंगे इसको क्या होगा स्टूडेंट, ये पुश करेगा तो लिक्विड राइज कर जाएगा, इधर लिक्विड राइज कर जाएगा। तो यहाँ जो होगा स्टूडेंट, यहाँ पर जो प्रेशर होगा ये सेम लेवल पर प्रेशर यहाँ भी सेम होगा, है ना, कि यहाँ का प्रेशर और यहाँ का प्रेशर सेम होना चाहिए, क्योंकि लिक्विड में सेम लेवल पर प्रेशर सेम होता है। अब देखिए ये जो हाइट एक्स्ट्रा है यहाँ पर प्रेशर किसके वजह से होगा, ये लिक्विड के वजह से प्रेशर होगा, यहाँ पर लिक्विड के वजह से जो प्रेशर होगा, और यहाँ पर गैस का प्रेशर है। तो ये वाला हाइट हम रीडिंग से निकाल सकते हैं और डेंसिटी हमें नोन है, तो प्रेशर यहाँ पर कितना होगा, रो जी एच हो जाएगा, और इसके वजह से हम लोग ये प्रेशर गॉज प्रेशर में लिक्विड के वजह से प्रेशर निकाल। लेकिन स्टूडेंट ऊपर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी लग रहा होगा, तो अगर एब्सोल्यूट प्रेशर निकालें, एब्सोल्यूट प्रेशर क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्लस रो जी एच, तो ऊपर से एटमॉस्फेरिक प्लस इसके वजह से हाइट, दोनों का सम करेंगे तो यहाँ टोटल प्रेशर निकलेगा, एब्सोल्यूट प्रेशर निकलेगा, और ये वाला जो लिक्विड के वजह से जो प्रेशर होता है उसको गॉज प्रेशर बोलते हैं स्टूडेंट। रो जी एच जो प्रेशर होता है वो गॉज प्रेशर बोला जाता है उसको, ठीक है, या गेज प्रेशर, बहुत जगह गॉज गेज भी बोला जाता है, तो गॉज प्रेशर हो गया। तो इस तरह से एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस रो जी एच, ये हाइट डिफरेंस जो है दोनों में हाइट डिफरेंस, इसका बीच में देखें इसके और ये कितना हाइट डिफरेंस है, यहाँ से इसके बीच का हाइट डिफरेंस एच है, तो हाइट डिफरेंस है स्टूडेंट, तो उसको हम लोग हाइट डिफरेंस के। तो यहाँ पर हमने फार्मूला लगा दिया स्टूडेंट, पी ए इक्वल टू पी बी, यहाँ का प्रेशर यहाँ का इक्वल, तो रोज
प्रेशर ऑफ गैस इक्वल टू रो ऑफ लिक्विड इंटू जी इंटू एच। इस तरह से हम लोग प्रेशर में थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं कि गॉज प्रेशर क्या होता है। यहाँ पर देखे स्टूडेंट, आप लोग देखे तो मैंने ऐसे यहाँ पर देखे, ये लिक्विड है स्टूडेंट, ये लिक्विड की वजह से मान लो एच हाइट का लिक्विड है, यहाँ पर एच हाइट का लिक्विड है, इसकी डेंसिटी रो। तो यहाँ पर प्रेशर जो होगा लिक्विड की वजह से प्रेशर कितना आएगा, रो जी एच, क्योंकि हम लोग फॉर्मूला से जानते हैं प्रेशर ड्यू टू लिक्विड है ना, रो जी एच होता है। लेकिन ऊपर से एटमोस्फेरिक प्रेशर भी तो लग रहा है स्टूडेंट, तो यहाँ पर एटमोस्फेरिक प्रेशर ऐड कर देंगे तो ये एब्सोल्यूट प्रेशर होता है, एब्सोल्यूट प्रेशर है ना। तो ये हो जाएगा 1.015 इन 10 पावर 5 प्लस रो जी एच, ये एब्सोल्यूट प्रेशर बोलते हैं। गॉज प्रेशर क्या होगा, एब्सोल्यूट प्रेशर माइनस, अगर हमारे गॉज प्रेशर निकाले तो एब्सोल्यूट प्रेशर माइनस एटमोस्फेरिक प्रेशर इक्वल टू गॉज प्रेशर हो जाएगा, या ये बोल सके प्रेशर ड्यू टू लिक्विड है ना। तो ये इस तरह से हमारा मैनोमीटर वर्क करता है। अब देखिए स्टूडेंट, कंपैरिजन करना हो तो दोनों एंड को क्या करें, एक पाइप इससे कनेक्ट कर दे, एक पाइप को हमने इससे कनेक्ट किया जिसका प्रेशर मिला, और दूसरे को इधर कनेक्ट कर दे, तो क्या होगा, हम आसानी से मेजर कर सकते हैं डिफरेंस कितना आएगा, लिक्विड के हाइट में जो डिफरेंस आएगा उसके वजह से जो प्रेशर क्रिएट होगा उतना ही डिफरेंस होगा। अब देखें तो यहाँ पर स्टूडेंट हम लोग ज़्यादा प्रेशर क्यों नहीं मेजर कर पाते, अगर ज़्यादा प्रेशर हो जाएगा स्टूडेंट तो ये लिक्विड क्या होगा, इसे बाहर निकल जाएगा, इसको इससे इतना प्रेशर ज़्यादा होगा कि ये लिक्विड को लेवल बाहर निकाल दे। हाँ, मर्क्यूरी काफ़ी ज़्यादा हाइट बढ़ाए, इसकी हाइट बढ़ाए तब जाके मैनेज होगा। तो उतना बड़ा ज़्यादा हाइट भी नहीं बढ़ा सकते क्योंकि एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में प्रॉब्लम भी होगा, तो इसलिए इससे हम लोग ज़्यादा प्रेशर नहीं मेजर कर सकते है ना। ठीक है स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही।